हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर एग्जामिनेशन पेपर मैथमेटिक्स का पेपर सेकंड डे, जिसका नाम है रियल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और ये पेपर 40 मार्क्स का हुआ है। चलिए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं हूँ सोनम जैन, और सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए, जो होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही उत्तर चुनकर लिखना है आपको यहाँ पर। यदि एक परिबंध फलन है और का कोई विभाजन है तथा पी स्टार व पी का एक अधिशोषण है, तब जो भी आपका राइट आंसर है वो आपको यहाँ से टिक लगाना है। देखिए, एग्जाम में अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं ना, तो आपको ये बेनिफिट होता है क्वेश्चन करने का कि जो क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाता है। और बहुत सी बार एक आध दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं तो उसके आंसर आपको पहले से याद होते हैं, क्योंकि आपने पेपर छुड़ाया होता है, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, समाकलन करना है इसका। आभासी है यदि, जो चार ऑप्शन है जो सही लगे वहां पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट है, दूरी समदिष्ट में प्रत्येक परिमिति वृत्त समुच्चों का सर्वनिष्ठ होता है। कौन सा आपका समुच्चय है, वो चार में से जो भी आपको सही लगे वो आपको बताना है। यदि फोर्थ वाला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है का मान है, तो क्या है यहाँ पर चार ऑप्शन में से जो सही लगे आपको लगाना है। फोर्थ फिफ्थ है यहाँ पर, फलन की विलक्षणता क्या है, जेड बराबर वन है, जेड नॉट इक्वल देन वन है, जेड बराबर जीरो है या कोई नहीं, जो भी आपका आंसर है वो आपको यहाँ पर लगाना है। अब हम बात करेंगे हमारा सेक्शन नंबर बी, जो होता है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और 5x2 यानी कि 10 मार्क्स का पूरा सेक्शन है। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसको मैं पढ़ के कैसे बताऊंगी, तो आप इसकी स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले लें या क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके अथवा में पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि फलन क्वेश्चन नंबर थर्ड दर्शाइए कि आभासी है जो भी है, और इसके अथवा वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, किसी दूरिक समष्टि में प्रत्येक विवर्तन गोलक की एक विवर्तक समुच्चय होता है। यूनिट फोर्थ दर्शाइए कि फलन अथवा एक विश्लेषिक फलन के वास्तविक व अधिकल्पित भाग लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करता है। टेलर श्रेणी से जेड बराबर जीरो के सापेक्ष साइन जेड का प्रसार कीजिए। जो क्वेश्चन पढ़ने जैसे दिख रहे हैं उनको मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, बाकी आप स्क्रीन पर शो हो रहे हैं इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं, और यहाँ से आप इन क्वेश्चन को करके एग्जाम में जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी की, और ये है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 25 मार्क्स का पूरा सेक्शन है। वीडियो अच्छी लगती है गाइज, लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। श्वार्ज प्रमेय को परिभाषित कर उसे सिद्ध कीजिए। प्राचल्य के सापेक्ष अवकलन की सहायता से किसी दूरिक समष्टि में प्रत्येक आभासी अनुक्रम एक कोशी अनुक्रम होता है, किंतु विलोम असत्य नहीं। प्रत्येक गणनीय संघन दूरिक समष्टि द्वितीय गणक होता है। विश्लेषिक फलन के लिए कोशी रीमान समीकरण प्राप्त कीजिए। कोशी समाकलन सूत्र को परिभाषित कर उसे सिद्ध कीजिए। वैश्विक फलन के लिए टेलर प्रमेय को परिभाषित कर उसे सिद्ध कीजिए।
एंड थैंक यू गाइज वॉचिंग फॉर माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम. थैंक यू.